आज कटक ब्रांच का सेकेंड डे था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे काफ़ी दिग्गज इनकम टैक्स के पेटिशनर्स कपिल गोयल जी आए थे, जो दिल्ली में, और उनकी स्पीच से ऐसा लगा कि हम टैक्स पेयर्स जो भी हैं उनके साथ में कम से कम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी भावनाओं को समझे और उनकी नैतिकता को समझें और उनके जो भी ग्रीवेंसेज हैं उसको प्रॉपर ढंग से एड्रेस किया जाए, सो दैट कि वी आर द टैक्स पेयर्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्र है वो तभी पूरा हो सकता है जब हम इन सेक्टर्स को पीसफुली काम करने के लिए छोड़ें, सो दैट कि हमारा GDP बढ़ सके, हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके और हमारी सोसाइटी में एक हारमोनी क्रिएट हो, जिसका कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी फील हो रहा है। इसके साथ साथ में हमारे GST पर भी वर्किंग होगी, जिसमें भी काफ़ी लिटिगेशन बढ़ रहे हैं, तो लिटिगेशन किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, वी मस्ट हैव अ थिंग दैट वी शुड नॉट गो फॉर द टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजेंस, बट इन नॉर्मल टैक्स प्रैक्टिसेस नॉर्मल पीपल शुड नॉट बी। देखिए, गुरु मंत्र तो कुछ नहीं है, बट ये एक अपने मन की बात ही कि पोलाइट सेंस में विनम्र भाव से कि कर प्रणाली जैसे ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो करदाता है उसको ये ना लगे कि मेरे साथ अन्याय ही हो रहा है सिर्फ, और जो कर प्रशासन है वो जवाबदेही उसकी हमेशा तय हो, और जो करदाता के खिलाफ जितनी भी डिमांडें इनकम टैक्स विभाग रेज करता है उसमें उसकी बात कहने का उसको पूरा मौका मिले, ऐसा ना हो कि उसके खिलाफ एक पक्ष फैसला हो जाए। ये बात रखी, और अभी आज के तारीख में बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, अभी उड़ीसा उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट में और बाकी हाई कोर्ट्स ने, सब ने ये कहा है कि इनकम टैक्स विभाग को अपने, अगर उसको सरल शब्दों में कहा जाए कि आत्ममंथन करना चाहिए, और जो गलत प्रैक्टिसेस हैं या सही, जहां पर उसकी क्या बोलते हैं उसको इम्प्रूवमेंट की संभावना है तो उसको करना चाहिए। जैसे करदाता को कोई भी बात अगर नहीं कहनी है तो उसकी पूरी बात सुनी जानी चाहिए, तो वो भी अभी नहीं सुनी जा रही कई जगह। हमें इनकम टैक्स विषय एंड GST विषय जहाँ चेंजेस आसुची से विषय जानूचु केते से गुड़ाक के इफेक्टिव आम डेली आम काम आमको केते हेल्प कर सब जिनस जाना पाचु एंड आम क्लाएंट्स मानक आम भी नॉलेज दे पारू जे कौन भी के दूर बेनिफिट कर सब जिनस, तो से सब विषय आम जाना पाइल टू डेज कन्फरेन्स से आसिकी सब कन्फरेन्स अटेंड भी करा दरकार, दे विल मैं से जानवे जे से एग्जाम्रे भी हेल्प कर बिकज से भी से सब चेंजेस पढ़ती अमेंडमेंट्स आसे से गुड़ाक एग्जाम्स भी आसे, सो से युवाक सब हेल्प कर एग्जाम्स मैंने क्वेश्चन आसले एंड दे से भी वर्क रे इनवॉल्व ऑफिस रे भी से कम करती क्लाइंट ऑफिस रे मैंने सीए मान ऑफिस रे से इंटर्न्स हिसाब से कम करती, तो से भी से गुड़ाक हेल्प कर सब चेंजेस गुड़ाक से भी जानवा दरकार।